कैसे आग लगी? आग लगी नहीं, आग लगाई गई आलोक सिंह उर्फ ढाप सिंह। यह सब पैसा मांगे थे हमसे 5 लाख रुपया। अच्छा। हम बोले पैसा किस बात की, पैसा 5 लाख रुपया? तो बोले कि नहीं, 5 लाख देना पड़ेगा, रंगदारी हम लेते हैं हर एक आदमी से। अच्छा। वहाँ फ्लावर मिल से लिए हैं, यहाँ हार्डवेयर से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, वहाँ से सोनार भाई से लिए हैं, आपको भी देना पड़ेगा। हम बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, सोच समझ कर बताएंगे, अपने पूरे परिवार से राय करेंगे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि लेनी का देनी पड़ जाएगा, उसके बाद आग लगा दिए। सामने उनका श्रेय देते हैं थाना शशिभूषण सिंह, उनसे मेरे सामने आते हैं और दोनों आदमी दारू पीते हैं सामने, बिहार में बंदी का सामने दोनों आदमी दारू पीते हैं। अब बोलते हैं कि तू जितना काम कर उतना काम फ्री है तुम्हें, लेकिन मेरा हिस्सा आधा आ जाना चाहिए। कौन बोलता है ये? थाना पर शशिभूषण सिंह। अच्छा। हम बोले पुलिस करते, हम बोले कि गिरफ्तारी करिए, उसके बाद हम आवेदन दे रहे हैं, वही थाना पहले आवेदन चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। वही पे था। कौन बोला ये बात? थाना प्रभारी जो संजीव कुमार नहीं आएंगे। हाँ, वही बोले पति का मेरा नुकसान हो गया है, उसका भरपाई भी उन्हीं को करना है, और नहीं करेंगे ना तो उनके घर में हम आग लगाएंगे। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की मोरा बाज़ार पर। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम मोरा बाज़ार से दिखा रहे हैं कि जहां मोरा बाज़ार पर एक किराने की दुकान में भीषण आग लगी है, और आग लगने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जो है पूरी तरह से जाम कर दिया है। तो ये बड़ी खबर सबसे पहले, और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मोरा बाज़ार से, किस तरह से आज मोरा बाज़ार पर जो है रात के समय में भीषण आग लगी है किराना दुकान में, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। किस तरह से हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहां आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ के लोगों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो पता चला कि आग लगाया गया है, और आग लगाने वाले को भी दुकान मालिक पहचानते हैं कि किसने आग लगाई है। तो सबसे बड़ा खुलासा बता दें कि दुकान मालिक खुद करने वाले हैं आज न्यू टीवी सिवान चैनल पर कि कौन आग लगाया है, कब लगाया है और क्यों लगाया है। तो आज हम बात करेंगे दुकान मालिक से भी, लेकिन बात करने से पहले हम आपको वो सारी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आपको हम लाइव तस्वीर दिखाना चाहेंगे इस मोरा बाज़ार से कि किस तरह से जो मोरा बाज़ार से जो है महाराजगंज से जो भगवानपुर जो मुख्य मार्ग है उसको लोगों ने बांस बल्ली से घेर दिया है, दोनों तरफ रोड को जाम कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकती हैं, और बीच में जो है टायर जलाकर लोग आगजनी भी किए हैं, प्रशासन की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे अधिकारियों की मांग करें जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से आए दिन लगातार मोरा बाज़ार पर ये घटनाएं घट रही हैं, इसके पहले भी न्यूज़ टीवी सिवांचल की टीम एक खबर दिखाई जिसमें एक साथ तीन तीन चार चार दुकानों में आग लगाई गई थी, और उसके बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करी थी, लेकिन जब न्यूज़ टीवी सिवांचल की टीम उस आवाज़ को उठाई थी उसके बाद पुलिस प्रशासन टीम ने तेज़ी से काम किया और अपराधी को पकड़ने का काम किया था। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी रात बीता हुआ है इसमें भी फिर कुछ लोगों ने एक दुकान में आग लगाई है, और उस आग लगाने वाले को जो है दुकान मालिक पहचानते भी हैं, और आज इसका खुलासा न्यूज़ टीवी सिवान चैनल पर ही आज खुलासा करने वाले हैं, और आज हम आपको यहां से दिखाएंगे भी। आप देख सकते हैं हम अंदर की तरफ लेकर चलते हैं कि अंदर की दुकान का तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आग लगाई गई है, कई सारे सामान जो है महंगे महंगे सामान जलकर राख हो गए हैं, लगभग कई लाख रुपए की यहाँ नुकसान बताए जा रहे हैं। देख सकते हैं चारों तरफ बस जले हुए सामान बिखरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो है स्थानीय लोग काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। हालांकि भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन भी यहाँ जो है काफ़ी देर के बाद आई हुई है, काफ़ी कई घंटों के बाद आई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब न्यूज़ टीवी सिवांचल की टीम उस प्रशासन से जब कुछ जानने का प्रयास की तो प्रशासन जो है जो यहाँ की जो अभी भगवानपुर हाट थाने की नए थानाध्यक्ष संजीव कुमार आए हुए हैं वो कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। जब हमने पूछा कि आखिर कैसी घटना घटी और किसके साथ घटी, क्या कुछ आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सर कैमरा बंद कीजिए, कैमरे पर आप हमको मत दिखाइए, क्योंकि हमें आदेश नहीं मिला है बाइट देने के लिए, हम बाइट आपको नहीं दे सकते हैं। हम डीएसपी साहब से पूछना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि डीएसपी साहब से आप मिलिए, उनसे पूछिए कि थाना प्रभारी बाइट नहीं दे रहे हैं, क्या हम उनसे बाइट ले सकते हैं।
यानी पत्रकार को अब सिखाया जाएगा कि किसकी बाइट लेनी है किसकी बाइट नहीं लेनी है। डीएसपी साहब, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, अगर मेरी तस्वीर को आप देख पा रहे हैं, सीधा सवाल आपसे है, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे चला कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा रूल क्या होता है। थाना बाबा जो संजीव कुमार अभी भगवानपुर हाट थाने में आए हुए हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ रूल होता है जिसकी वजह से हम बाइट नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, किसी की यहाँ कोई किसी की मौत हो जाती है, किसी का घटना घट जाती है और थाना प्रभारी कुछ भी नहीं बोलेंगे, किस लिए आपको बनाया गया है? चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा थाना प्रभारी से फेस टू फेस बात करने का तरीका है और जिसकी तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं। हम तस्वीर उस थोड़ा सा कट तस्वीर दिखाएंगे जिसमें थाना प्रभारी क्या कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो टीम है वो लाइव चलाते गई और इनका वॉइस रिकॉर्ड होते गया। हालांकि कुछ रिकॉर्ड हम किए हैं, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं किए हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड किए हैं उसको आपको हम दिखा दे रहे हैं। आप पहले थाना प्रभारी संजीव कुमार जो क्या कुछ कहते हैं उनका सुनिए। चलिए, हमारे बीच बता दें कि भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन भी आई हुई है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मामले को जानकारी इनके मिली और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। सर, एक मिनट पहले रखिए, इसको बंद कीजिए ना, सुनो करेंगे आपको हम बोल रहे यार, बोलिए यार, नहीं सोने के लिए नहीं आए इस थाने पे, सुनो इसमें बोलिए ना। अच्छा ये चीज बताओ, हम तुमसे बात कर रहे हैं तो क्या इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? बोलो, इसमें बोलिए ना, दो शब्द बोल के जाइए सर, दो शब्द बोल के जाइए। हाँ, जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तुमको बोल यार, देखो बताते इस तरह से मत करो, बस बोल रहे पहले, इसको रखो रखो, इसको आप बता के, अरे रखो ना यार, चालू करो, काम है जो काम करना है, बस हो गया। तो काम बताइए क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? ऐसे नहीं करना है, ठीक ना, काम करने दो, बताएंगे, बोल रहे हैं ना कि काम करने दो यार। तो काम तो हो गया आपका ना, आवेदन आपने लिए हैं, आवेदन लिए हैं तो आवेदन को FIR करते हैं, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल पकड़ के, और क्या फिर आप लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ यहाँ कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे उसके बाद? अरे बताइए ना इसमें, सुनो यार, या तो तुम इसको लो और इसको ले करके, इसको ले करके फोटोग्राफी कर लो, ठीक है, इसको हम ले लेंगे ये। तो आप DSP साहब से बात कर लीजिए कि हमको थाना प्रभारी बाइक नहीं दे रहा है, बात कर लो, कर लो। तो आपने देखा कि थाना प्रभारी से हमने बात किया और थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा हमसे, उसकी तस्वीर आप दे सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की प्रशासन कैसी निकम्मी प्रशासन है। आज यहाँ एक बड़ी घटना घट गई मोरा बाजार पर और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ के लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ रोड जाम किया, प्रशासन यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची, लास्ट में पहुँची और कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी प्रशासन भी जो है यहाँ पे, लोग बता रहे हैं कि मिली भगत है जिसने आग लगाई है, वो इनसे मिले हुए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन भी इनकी नहीं सुन रही है, तो ये सवाल यहाँ पे उठ रहा है। चलिए, हम देर ना करते हुए हमारे बीच दुकान मालिक जो हैं, जिनके किराने की दुकान है, इनके दुकान में आग लगी, इनसे हम बात करने का प्रयास करें। क्या नाम आपका? विवेक नाम है मेरा। घर आपका कहाँ है? मोरा बाजार पे। अच्छा, ये दुकान आपका है? मेरा है। कैसे आग लगी? आग लगी नहीं, आग लगाई गई आलोक सिंह उर्फ ढाप सिंह, यहीं पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, यहीं पे हम लोग गप कर रहे थे, तो आए कांटा लेकर और बोले कि तू जितना दम लगा ले, लगा उसके कांटा के दम पर चाकू से काट कर ये थी खिड़की। अच्छा। वहाँ पे सब चाकू को रखे हैं और बंदूक के बल पर आग लगा दिए पेट्रोल गिरा कर, ठीक। अच्छा। उसके बाद हम फायर ब्रिगेड का फोन किए, उसके बाद अलाउंस हुआ पूरा एथी में, पूरा बाजार का लोग आया, पूरा गांव का लोग आया, उसके बाद आग पर काबू पाया गया, फायर ब्रिगेड का 2 गाड़ी भी आई, तब तक आग बुझ गया था। कब की घटना है ये? 2 बजे की, 2 बजे के 3-4 मिनट हो रहा था, रात में 2 बजे। हाँ, 2 बजे में। हाँ। अच्छा, किसने आग लगाई, क्या उसका नाम दोबारा हमारे दस को बता पाएंगे? हाँ, आलोक सिंह उर्फ ढाप से। आलोक सिंह उर्फ ढाप। अरे परसों पैसा मांगे थे हमसे 5 लाख रुपया। अच्छा। हम बोले पैसा किस बात की, पैसा 5 लाख रुपया? तो बोले कि नहीं, 5 लाख देना पड़ेगा, रंगदारी हम लेते हैं हर एक आदमी से, वहाँ फ्लावर मिल से लिए है, यहाँ हार्डवेयर से लिए है, यहाँ से लिए है, वहाँ से सोनार भाई से लिए है, आपको भी देना पड़ेगा। हम बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, सोच समझ कर बताएंगे, अपने पूरे परिवार से राय करेंगे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि लेनी का देनी पड़ जाएगा, उसके बाद आग लगा दिए सामने, और हम जो लिखित आवेदन दिया है ना, उस सब के सामने लगाए हैं आग। अच्छा। उतना आदमी था, ऑर्केस्ट्रा हो रहा था यहाँ पे, सब कोई देखा है और फायरिंग करते हुए भागा है, वहाँ पे खोखा भी थी, गोली का फेंका है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा।
दो दो खोखा फेंके है, फायरिंग भी हुई है। हाँ, फायरिंग भी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं आलोक सिंह? यही पे मोरे 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 खास के रहने वाले हैं, मोरा गांव के ही रहने वाले हैं। उनका श्रेय देते हैं थाना शशि भूषण सिंह, उनसे सामने आते हैं और दोनों आदमी दारू पीते हैं सामने, बिहार में बंदी का सामने दोनों आदमी दारू पीते हैं और बोलते हैं कि तू जितना काम कर उतना काम फ्री है तुम्हें, लेकिन मेरा हिस्सा आधा आ जाना चाहिए। कौन बोलता है? थाना पर शशिभूषण। हाँ, शशिभूषण सिंह। अच्छा, हाँ ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, आपको बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा किया जा रहा है, प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि दुकान मालिक खुद कह रहे हैं कि जो भगवानपुर हार थाने के एसआई हैं शशिभूषण, उनका मिली भगत है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे आग लगाई है उससे भी उनका साठगांठ चलता रहता है, कमीशन खुद चलती रहती है। ये हम नहीं, न्यू टीवी सिवांचल की टीम नहीं, बल्कि इतने लोग के सामने खुद दुकान मालिक खुद आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति पर जिसने आग लगाई है और जो थाने के एसआई हैं शशिभूषण। चलिए ये बताइए कि आग लग गई जब तो किन किन लोगों ने आग देखा था? लगा कम से कम आग लगा हुआ आदमी 10-12 आदमी था। अच्छा। ठीक, उसके बाद माइक में अलाउंस किए, उसके बाद पूरा गांव का आदमी आया, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने सड़क को पूरी तरह जाम किया है? हाँ, पूरा जब तक पुलिस नहीं गिरफ्तार, हम बोले हैं कि पुलिस वहाँ पे है लेकिन पुलिस देखकर गिरफ्तारी नहीं की। हम बोले कि गिरफ्तारी कर रही है, उसके बाद हम आवेदन दे रहे हैं, वही तो ना पहले आवेदन चाहिए उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे, वही पे था। कौन बोला ये बात? थाना प्रभारी जो संजीव कुमार नहीं आए। हाँ, वही बोले अगर नहीं कार्रवाई होगी ना तो फिर कल जाम होगा चक्का, जब तक नहीं कार्रवाई होगी तब तक ये बात डीएम एसपी और मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। ये बनिया समाज की बेटी है, ताकत है, पूरा संपत्ति का मेरा नुकसान हो गया है, उसका भरपाई भी उन्हीं को करना है, और नहीं करेंगे ना तो उनके घर में हम आग लगाएंगे, पूरा भीड़ के सामने सब कोई उनके खिलाफ है। अभी तक उनके पास 50 FIR हो चुका है, 50 FIR, और उनका घर का लोग भी श्रेय देता है, उनका घर का लोग, उनका पिताजी अनुरुद्ध सिंह है, वो उनका उनके साथ देते हैं। अच्छा। नहीं तो पुलिस को जब घर पर आते हैं तो पुलिस को क्यों नहीं गिरफ्तारी करा देते हैं कि हमारा लड़का ऐसा है? बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है कि आलोक सिंह जो ढाब सिंह हैं, हाँ, मोरा खास के रहने, उन्हीं ने आग लगाया है? हाँ, अरे सब किसी के सामने लगाया है, 20 आदमी के सामने लगाया है, जिसमें हम लिखित दिया है, उसमें साइन भी कराकर आदमी ने दिए। उनको आग लगाते हुए देखा है, क्या आप हमको बता पाएंगे, उनको सामने ला पाएंगे हमारे सामने? ये है पिंटू, आपने देखा? जी, आग लगाते हैं आलोक सिंह को, हम देखे हैं आलोक सिंह को, आलोक सिंह और भड़ाव सिंह, उनका पिता का नाम अनुरुद्ध सिंह। अच्छा। और आज से उनको हम 3 दिन पहले भी FIR किए हैं, मेरा मोबाइल चोरी किए थे तो FIR का कॉपी भी है, बड़ा बाबू आए थे उनको दिखाए भी हैं। जी, और वो आज से नहीं अपराध कर रहा है, 15 दिन से पूरे मार्केट में लोगों को तंग कर रखा था, हर लोगों से रंगदारी मांग रहा था, आज इनके नहीं रंगदारी देने की वजह से आग लगा दिया। ठीक है, गोली भी चलाया, जो 2 खोखा कह रहे हैं ये सत्य है कि 2 खोखा वहाँ पे है। उसके बाद हम भी FIR किए तो बड़ा बाबू के पास 12 बजे रात को कॉल किए उनको अरेस्टिंग करने के लिए, फिर बड़ा बाबू ने, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, प्रमाण है, जो इनको कह रहे हैं शशिभूषण सिंह के, जितने भी छोटा बाबू आए साई आए सब चले गए अलग अलग थाने में, उनके लिए ट्रांसपोर्ट चला आता है, मगर साई जो है शशिभूषण सिंह उनके लिए कोई नहीं आता है ट्रांसपोर्ट। वो आज 2 साल से इसी थाने में है, खूब पैसे दम के कमा रहे हैं, जमा के कमा रहे हैं, इसमें उनके फुल सपोर्ट है। जितने अपराध यहाँ बढ़ा हुआ है ढाब सिंह के द्वारा उर्फ आलोक सिंह के द्वारा, ये शशिभूषण के ही कहने से कराने से ही अपराध ये बढ़ा हुआ है। ये हम नहीं कहेंगे, पूरा बाजार से हम कहवा देंगे, आज हम लोग जा रहे हैं पूरे लोग साइन करके जिला में देने के लिए शशिभूषण के लिए, कि उन्हीं के चलते अपराध बढ़ा हुआ है, हत्या भी हो जाता, अगर ये नहीं होता तो किसी ना किसी को मर्डर होता। चकुदार को कल नहीं परसों के दिन चकुदार को चिहेट के गोली लेकर दौड़ाया था मारने के लिए, उसका प्रमाण है कि बाइक चकुदार के लोगों ने, पब्लिक ने छीन के बाइक थाना में भी दिया है। जी जी, चौकीदार को भी चेटा था ये परसों का, उसके 4 दिन रोज मेरा मोबाइल मेरे भतीजा का चोरी कर लिया था, छीन लिया था हथियार के बल पे 36,000 के, उसका भी FIR हमने कर दिया है। आज से 20 दिन पहले एक मास्टर है बाबूनंद राय, मियाँ समाज से आते हैं, उनको चाकू मार दिया गया था, वो भी यहाँ का थाना FIR नहीं लिया, तो जिला से केस किया गया। ये 5वां इस बेचारे के साथ घटना है कि जिसका 12-13 लाख का नुकसान है, और 5 लाख रंगदारी मांगने से नहीं देने की वजह से 12-13 लाख का नुकसान हुआ। अगर ये उस टाइम बोले होते तो ये मर गए होते। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन मिली हुई है इसमें पूरी।
पूरी पूरी एकदम सलमिल है एकदम, बिना मिले हुए कुछ कैसे कैसे चलता है रोजी, रोज एक पिस्टल लेकर एक कांटा लेकर एक छुरी लेकर घूमता है मार्केट में रोज। उसको बढ़ावा देने वाले खुद उन्हीं का लोग हैं। अच्छा, हाँ, बाइक से घुमाते हैं, दारू पिलाते हैं, मार्केट में लोगों को तरपाना हैरान करना लोग करते हैं। अगर यहाँ कोई और होता तो मर गया होता लड़का, मगर उसको लोग बढ़ावा देते हैं। अब बहुत लोग भाई तंग किया है, ये मैं आपके न्यूज़ के द्वारा कह रहा हूँ कि जो भी मेरे न्यूज़ देख रहे आपका न्यूज़ देख रहे हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जहाँ भी ढाब सिंह हो, अगर पब्लिक को शांति चाहिए तो पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उसको अरेस्ट करें, ऐसी उनके लिए कानून कोई FIR में लिखें धाराएं, जिस धाराएं में उनको कुछ दिन समय लगे जिससे सुधार हो। जी जी, पुलिस वाले भी वही धाराएं लिखते हैं जिससे कुछ नहीं होता है। जी जी, वो आराम से चले जाता है घर, उसके बाद फिर एक महीना दो महीना रह के चला आएगा, फिर हमारे मार्केट के लोगों को तंग करेगा। ठीक है, ये तो बनिया समाज से आते हैं, ये भी इनके भी कोई कम पहुँच नहीं है, ये आगे दौड़ना आज से चालू कर दिए हैं, अगर थाना प्रभारी जल्द से जल्द उसको कार्रवाई नहीं करते हैं तो। कितना नुकसान आपका बताया जा रहा है? कम से कम 12-13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 12-13 लाख? हाँ, आज सब छठ का दिवाली का बाजार किया है, उसका सबका ओरिजिनल बिल भी है, हम DM साहब को सौंपेंगे बिल के साथ, बिल के साथ GST जितना सामान है सब ओरिजिनल टैक्स से लिए हैं, हम जाकर आइए कल हम देंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे थाना प्रभारी तो हम आइए कल जाकर देंगे। थाना प्रभारी ने आश्वासन क्या दिया? थाना प्रभारी वही तो बोल रहे हैं कि बोल रहे थे वहाँ है गिरफ्तारी कीजिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं पहले आवेदन दीजिए उसके बाद हम गिरफ्तारी करेंगे, सामने से वो चला गया। चले, आपने देखा कि न्यूज़ सिवांचल की टीम यहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही इस मोरा बाजार से। बता दें कि बड़ी खबर आपको मोरा बाजार से दिखा रहे, जहां मोरा बाजार में जो है एक किराने की दुकान में भीषण आग लगी है, लगभग 12-13 लाख रुपए का यहां नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि अभी छठ पर्व का समय चल रहा है और इस पर्व पे दुकान मालिक ने कई सारे महंगे महंगे सामान लेके आए हुए थे छठ पूजा के लिए भी, और इसके पहले भी जो सामान रखा था उसमें कुछ नकद पैसे भी बताए जा रहे हैं किसमें रखे हुए थे। और यही कि एक मोरा खास के ही रहने वाले आलोक सिंह उर्फ ढाब सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्हें इन लोग बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो है रंगदारी को लेकर आग लगाई है, रंगदारी मांग रहे थे, रंगदारी नहीं मिला तो उन्होंने सबके सामने यानी 10-15 लोग के सामने यहाँ पे जो है एक दुकान में आग लगा दी, जिसकी खुलासा यहाँ के कुछ स्थानीय लोग और दुकान मालिक खुद कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ के प्रशासन जो है यहाँ पे आई हुई थी, और जब दुकान के मालिक प्रशासन से बोले कि इसी ने आग लगाई है आप इसको अरेस्ट कीजिए, तो जो अभी नए थाना अध्यक्ष संजीव कुमार आए हैं भगवानपुर हाट में, उनका कहने का मतलब है कि आप जब तक आवेदन नहीं देंगे तब तक हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे। तो ये है यहाँ का रूल, जब तक आप खुद नहीं आवेदन देंगे तब तक नहीं पड़ जाए, भले आपके सामने किसी की हत्या कर दी जाए। चलिए, अब देखना यह होगा कि यहाँ की प्रशासन क्या कुछ कदम नया उठाती है, क्या जितना नुकसान को हुआ है उसका भरपाई हो पाता है, क्या जिस पर आरोप लग रहा है उसकी गिरफ्तारी हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बन रही हमारे बीच, अगर चैनल पर नए तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिवान से, संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।